वेलकम टू राम सर इंग्लिश अकेडमी में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों मैं फिर एक बार आपके सामने न्यू लेटेस्ट करंट क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो एक बार इनको जरूर देखें। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट है, हाल ही में भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच संपन्न 2+2 वार्ता के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? जिसका राइट आंसर है कैनबरा में। नेक्स्ट, हाल ही में जारी ग्लोबल सूचना का अधिकार ग्लोबल RTI रेटिंग नामक रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसका राइट आंसर है 6वां स्थान मिला है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2018 में भारत को क्या रैंकिंग हासिल हुई है? तो इसका राइट आंसर है 103 रैंकिंग हासिल हुई है, तो 103वां स्थान इसको मिला है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार द्वारा जनता के लिए स्वर्ण निवेश हेतु किस योजना का आरंभ किया है? तो इसका राइट आंसर है गोल्ड ब्रांड। नेक्स्ट है, किस देश ने हाल ही में सुल्तान ऑफ जोहर कप 2018 जीता है? तो इसका राइट आंसर है ब्रिटेन ने। नेक्स्ट है, भारत के युवा लक्ष्य सेन ने युवा ओलंपिक खेल में 2018 बैडमिंटन में कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर है रजत पदक जीता है। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया गया? इसका राइट आंसर है 15 अक्टूबर को, लेटेस्ट है ये। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश में गरीबों के लिए 1200 घर बनाने के लिए 35 लाख डॉलर की सहायता देने संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो इसका राइट आंसर है श्रीलंका। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने किस शहर में GRAP नामक आपातकालीन योजना की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर है लखनऊ। नेक्स्ट, हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक लालू लीला के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है सुशील मोदी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों? दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और कमेंट करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि जो आपके एग्जाम की तैयारी कर सकें। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।